लेमरा न्यूज आज ही सब्सक्राइब करें लेमरा न्यूज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आदाब, मैं मोहम्मद साद और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लखनऊ के कैसरबाग बस स्टॉप पर। और जैसे कि आप जान रहे हैं, कोरोना वायरस जैसा जो कहर सब पर नाजिल है, जो शटडाउन का जो ऑर्डर है, कंप्लीट शटडाउन का जो ऑर्डर है, सारी बसें, सारी सुविधाएं और रेल और एयरवेज सारी सुविधाएं जिस तरीके से रद्द कर दी गई हैं, उसको लेकर के हम आपको हर जगह के नज़ारे दिखाएंगे। इस वक्त हम लोग कैसरबाग बस अड्डे पे मौजूद हैं और हमारे साथ रजनीश मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि रोडवेज कर्मचारी के प्रेसिडेंट हैं कैसरबाग के। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से जो पूरा कंप्लीट शटडाउन का ऑर्डर है, तो बसेस सारी रद्द कर दी गई हैं और जो यहाँ की पूरी व्यवस्थाएँ हैं वो सारी ठप कर दी गई, रोक दी गई है, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपको बताऊं कि जो ये महामारी चल रही है उसको लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे इसकी रोकथाम के लिए, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय परिवहन मंत्री जी हमारे, और उसके बाद में हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजशेखर साहब और हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक श्री पल्लव बोस जी, इनका जो निर्देश प्राप्त हुआ उसको लेकर हम सब लोग बहुत सजग हैं। पूरा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम सजग है, खासकर विशेषकर कैसरबाग डिपो में हम लोगों ने विशेष प्रयास किए थे कि किसी तरीके से, अभी तीन दिन पहले आपको मालूम होगा कि मुंबई से काफ़ी यात्री हजारों हजार संख्या में आ गए थे, माननीय जिलाधिकारी महोदय के और शासन के आदेश के अनुसार उनको भेजने का काम हम लोगों ने किया। बराबर बस अड्डे पर जो भी यात्री आते थे उनको सैनिटाइज करने का काम किया है। कल 20 सुबह यात्रियों का कुछ बोझ था, 10-12 बसें हम लोगों ने करीब 15-20 बसों को भेजा था, उसके बाद से पूरी तरीके से शटडाउन कर दिया गया, बस स्टेशन बंद है। तो अब क्या बिल्कुल भी एक भी बस कहीं की भी ना जा रही है ना आ रही है? नहीं, कोई बसें नहीं चल रही हैं, संचालन पूरी तरीके से ठप है, क्योंकि जो ह्यूमन चेन तोड़ने का काम, जिसको तोड़ने से ही हम इस कोरोना वायरस को रोक सकते हैं, इसको लेकर जो शासन के आदेश थे और जो एक गुहार प्रधानमंत्री जी ने की थी उसको लेकर हम लोगों ने प्रयास किया, ह्यूमन चेन तोड़ने का काम किया है, पूरी तरीके से संचालन बंद है। अगर किसी प्रकार का कोई दबाव बनता है और यह शासन का राज्य सरकार का कोई आदेश होता है तो उसको लेकर जो हमारे अधिकारी दिशा निर्देश देंगे उसको लेकर हम लोग पालन कर रहे हैं। हमारे साथ देख लीजिएगा, हमारे निखिल हैं बाबू और निगम हैं और हमारे सुपरवाइजर हैं सफाई कर्मचारी, इनके नेतृत्व में पूरे बस अड्डे पर सफाई का कार्य चल रहा है। ये जो सफाई कर्मचारी हैं आपके, जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, तो क्या उनकी सबकी पूरे स्टाफ की छुट्टी कर दी गई है कि आधा स्टाफ आ रहा है या आधा नहीं आ रहा है, किस तरीके से आप लोगों का पूरा सीन चल रहा है? नहीं, कुछ लोगों की विशेष रूप से छुट्टियां तो हो गई हैं शासन के आदेश के अनुसार, लेकिन कुछ विशेष रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है कुछ लोगों को, उसी को लेकर ये कर्मचारियां उपस्थित हैं और पालीवार ड्यूटी के हिसाब से उपस्थिति इनकी। मगर शिफ्ट आप लोगों ने बांट दी है, दो चार दस दस करके लोग ऐसे आ रहे हैं, थोड़े करके बुलाए जा रहे हैं कि कोई अगर इमरजेंसी सरकार के सामने आती है, शासन के सामने आती है और परिवहन निगम की अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग तत्काल सूचना हमको मिलेगी। यहाँ पे यात्री आ रहे हैं लगातार कि नहीं आ रहे हैं? नहीं, यात्री अब तो नहीं आ रहे हैं जब से बिल्कुल शटडाउन हो गया है। कल तक यात्री आए थे, सुबह 10-11 बजे तक यात्री थे, उनको गंतव्य तक भेजने का हम लोगों ने काम कर दिया था और उसके बाद से पूरी तरीके से शटडाउन हो गया। आप देख रहे हैं पूरा बस स्टेशन परिसर खाली पड़ा हुआ है, अब यात्री नहीं आ रहे हैं क्योंकि बाहर से भी सारी ट्रेनें रद्द हो गई हैं, बसें रद्द हो गई हैं, फ्लाइट रद्द हैं, तो इसलिए यात्रियों का आना कहीं से हो नहीं रहा है, बंद है। और अगर फिर भी किसी परिस्थिति के लिए सरकार का जो दिशा निर्देश होगा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और कैसरबाग डिपो लखनऊ क्षेत्र उसका पालन करेगा। सबसे अहम सवाल आप हमें ये बताइए कि कोरोना वायरस को चलते, बीमारी को, ये जो आपदा है फैली हुई है, कंप्लीट शटडाउन का जो ऑर्डर है इसको चलते यहाँ कैसरबाग डिपो में आप लोग किस प्रकार काम कर रहे हैं साफ सफाई का और सैनिटाइजेशन का? सैनिटाइजेशन का काम हमने बताया कल करीब 11 बजे से नगर निगम की पूरी टीम को हम लोगों ने बुलाया था, उसने पूरे बस स्टेशन पे दवा का छिड़काव किया है और नगर निगम की पूरी टीम अंदर बाहर चारों तरफ से, हमारे सफाई के सुपरवाइजर मौजूद हैं, ये इनके नेतृत्व में सफाई कर्मचारी जो बैठे हुए देख रहे हैं आप हैं, ये सारे लोग पूरे बस अड्डे की सफाई, दवा का छिड़काव करना बसों के अंदर जब तक बसें चलती रही, संचालन उनका छिड़काव करना, और विशेष व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है संचालित होने का काम जो है हम लोगों ने सैनिटाइज करके ही बसों को यहाँ स्टेशन पर भेजने का काम करेंगे और हर चालक परिचालक को भी सैनिटाइजर की बॉटल हमने दे रखी है कि संचालन के पहले, टिकट बनाने के बाद में भी, पहले और बाद में भी यात्रियों को भी सैनिटाइज करने का काम करें, उनके हाथों को और खुद भी अपने को सुरक्षित करने का काम करेंगे। तो जिस तरीके से आप ये बताइए यहाँ की जो पूरी सफाई है और जो सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ हैं जो करवाया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, उसके आप इंचार्ज हैं, किस तरीके से यहाँ पूरा काम चल रहा है कुछ बताइए? यहाँ पर ऐसे काम चल रहा है कि पूरी सीटों को सैनिटाइज कराया जा रहा है, सुवास कराया जा रहा है,
अंदर बाहर नगर निगम की टीम बुला के पूरी वॉश किया जा रहा है, वैसे जैसे पूरी साफ सफाई नीचे केमिकल द्वारा साफ सफाई हो रही सब। तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, अब हम आपको यहाँ कैसर बाग में मौजूद हैं, इस वक्त सारे नज़ारे दिखाते हैं, चारों तरफ दिखाते हैं। अंदर का पहले आप पूरा हिस्सा देख लीजिए, किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई विभाग के लोग हैं और जो यहाँ के कुछ अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और किसी को भी ना अंदर आने दिया जा रहा है ना बाहर जाने दिया जा रहा है। सख्ती एकदम बहुत ही ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है साफ सफाई को लेकर के भी। हम चाहेंगे कि आइए हम आपको बाहर भी दिखाते हैं जो बाहर के नज़ारे हैं, इस वक्त किस तरीके से सारी बसेस खड़ी हुई हैं। तो जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, हम लोग इस वक्त कैसरबाग बस अड्डे पर मौजूद है। आप हमारे पीछे का नज़ारा देख रहे होंगे, पूरा का पूरा खाली है। ये शटडाउन का जो ऑर्डर आया है, पूरे शहर में जो शटडाउन का जो ऑर्डर आया है उसको चलते सारी सुविधाएं बसेस की और हर जगह की सारी सुविधाएं बेसिकली रद्द कर दी गई। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। बस अड्डा आप देख रहे हैं कि ऐसा भी वक्त था, ये पहली बार हम आपको बता दें इतिहास में पहली बार हुआ है कि ऐसा इतना ज्यादा सन्नाटा पसरा हुआ है, एक भी यात्रीगण यहाँ पे नहीं है, एक भी यात्री नहीं है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, हम आइए हम आपको चलते चलते पूरा बस अड्डा घुमाते हैं कि बसेस सारी खड़ी हुई हैं, जो बसेस जा चुकी थी वो वहीं की वहीं खड़ी हो चुकी है और जो यहाँ मौजूद थी वो यहीं पे है, और कोई भी यात्री कोई भी पैसेंजर यहाँ आपको नजर नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ के जो सफाई कर्मचारी के लोग हैं जो दिन और रात ताबड़तोड़ जो मेहनत कर रहे हैं, यहाँ की सफाई कर रहे हैं और हमारी और आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं जब ये शटडाउन खुलेगा उसके बाद आपको ये पूरा कैसरबाग डिपो एकदम चमचमाता हुआ मिलेगा, एकदम साफ सफाई सुथराई सारी एकदम स्वच्छता से मिलेगी, और जो सैनिटाइजर है, सैनिटाइजिंग फैसिलिटीज है, वो प्रॉपर यहाँ पे सैनिटाइज भी किया जा रहा है। नगर निगम की पूरी टीम आई थी, सैनिटाइज करके गई है। आप देखें किस तरीके से लाइन से सारी बसेस खड़ी हैं, जो बसेस यहाँ पे मौजूद थी शटडाउन होने से पहले बस वही बसेस हैं, बाकी जो जहाँ पे जा चुकी थी वो निकल चुकी थी वो अपनी जगहों पर है। इस वक्त पे आप देख रहे हैं एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किस तरीके से तमाम चीजें पूरा शहर खाली है। शटडाउन जो कि आप सुनते थे अब तक की, और अब आज आप उसको खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये देखिए हम आपको जो विजुअल्स दिखा रहे हैं इस वक्त पे, ये बहुत ही ज्यादा आप लोग देखिए कितना ज्यादा अचंभा वाली बात है, कितनी चिंता वाली बात है। तो कोरोना वायरस जैसी जो बीमारी जो आपदा फैली हुई है उसको लेकर के आप लोग भी सतर्क रहिए, अपने घरों में रहिए और जो प्रॉपर प्रिकॉशंस है उसको लेते रहिए, प्रॉपर सैनिटाइज करिए अपने को, साफ सफाई को एकदम साफ सफाई बरतिए और तमाम चीजों पर अमल करिए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करिए। लखनऊ से लिमरा न्यूज के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद नौशाद के साथ मोहम्मद साद।